ऐसे गुर को बल बल जाइए, ऐसे गुर को बल बल जाइए। बोलो जी, श्लोक नौवे महले जी दे 47वें श्लोक। ये हर ऐतवार दे दीवान धन गुरु तेग बहादुर महाराज जी दे 400 साल आगमन दिवस नु समर्पित चल रहे ने। काफी महीनों तो ये लड़ी वार नौवे महले जी दे श्लोकां दे अर्थ महाराज सेवा लै रहे। बाकी तुहानू समा लगे सवेरे 7:30 बजे DD1 ला लिया करो, उत्थे भी ये नौवें महले दे श्लोक ही चलते पे लड़ी।
ਦੋ ਕੁ ਮਿੰਟ ਘੱਟ ਅੱਠ ਤੱਕ 28 ਕੁ ਮਿੰਟ 27 ਮਿੰਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਡੀ ਵਨ ਜਿਹੜਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਚੈਨਲ ਹੈ ਇਹੀ ਪ੍ਰਕਰਨ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾਲ ਲੜੀਵਾਰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਨਾ ਗੁਰਤਾਗਤੀ ਦਿਵਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਿਆ ਪੋਥੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਇਹੀ ਆਈ ਜਾਣਾ ਇਸੇ ਗੁਰਪੁਰ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਲੜੀਵਾਰ 27-28 ਮਿੰਟ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕੋਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵੱਖਰੀ ਟੀਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਐਡੀਟਿੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਟੀਮ ਆਹ ਸਾਰੇ ਵੱਖਰੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰੂਹਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਵ ਦੇ ਰਹੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਅੱਜ 23ਵਾਂ ਭਾਗ ਅਤੇ 47ਵਾਂ ਸਲੋਕ ਹੈ ਜੀ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਸਿਰ ਕੰਪਿਓ ਪਗ ਡਗ ਮਗੇ ਨੈਣ ਜੋਤ ਤੇ ਹੀ ਸਿਰ ਕੰਪਿਓ ਪਗ ਡਗ ਮਗੇ ਨੈਣ ਜੋਤ ਤੇ ਹੀ ਕਉ ਨਾਨਕ ਏ ਬਿਦ ਭਈ ਤਉ ਨ ਹਰ ਰਸ ਲੀਨ ਕਉ ਨਾਨਕ ਏ ਬਿਦ ਭਈ ਤਉ ਨ ਹਰ ਰਸ ਲੀਨ ਕਉ ਨਾਨਕ ਇਹ ਬਿਦ ਭਈ ਤਉ ਨ ਹਰ ਰਸ ਲੀਨ ਸਿਰ ਕੰਪਿਓ ਪਗ ਢਗ ਨੈਣ ਜੋਤ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਭਾਈ ਹੁਣ ਤੇ ਸਮਝ ਆ ਸਿਰ ਕੰਪਿਓ ਸਿਰ ਵੀ ਕੰਬਦਾ ਪੱਗ ਡਗ ਮਗੇ ਪੱਗ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਇੰਨਾ ਨਿਰਬਲ ਹੋ ਗਿਆ ਉਮਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੈਰ ਵੀ ਤੁਰਦਾ ਤੇ ਡੱਗ ਮਗਾਉਂਦੇ ਸੋਟੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਅੱਜ ਕਿਰਪਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦਿਨ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਉਠਾਈ ਯਾਰ ਆਖੋ ਸਾਧਨ ਮੈਨੂੰ ਉਠਾਇਓ ਇੰਨਾ ਬਲ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰ ਕੰਪਿਓ ਪਗ ਡਗ ਮਗੇ ਪੈਰ ਲਗ ਮਗਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਿਰ ਕੰਬਦਾ ਨੈਣ ਜੋਤ ਤੇ ਹੀ ਨੈਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋਤ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ ਕਉ ਨਾਨਕ ਏ ਬਿਦ ਭਈ ਤਉ ਨ ਹਰ ਰਸ ਲੀਨ ਕਉ ਨਾਨਕ ਇਹ ਬਿਦ ਭਈ ਤਉ ਨ ਹਰ ਰਸ ਲੀਨ ਬਚਪਨ ਬੀਤ ਗਿਆ ਖੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਨੀ ਬੀਤ ਗਈ ਮੌਜ ਮਸਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਦੇ ਗਿਆ ਸਰੀਰ ਦਾ ਤਾਣਾ ਪਹਿਲੇ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਹਰੀ ਰਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਆਖੋ ਸਾਧਨਾ ਤੂੰ ਤੇ ਜਨਮ ਪਾਇਆ ਸੀ ਹਰੀ ਰਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਬੜੀ ਵੱਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਓ ਧਿਆਨ ਉਮਰਾਂ ਬੀਤਦੀ ਗਈ ਅੱਖਾਂ ਥੱਕ ਗਈਆਂ ਵੇਖ ਵੇਖ ਅੱਖਾਂ ਥੱਕ ਗਈਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਥੱਕ ਗਈਆਂ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਘੱਟ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਆਖੋ ਸਾਧਨ ਅੱਖਾਂ ਥੱਕ ਗਈ ਕੰਨ ਵੀ ਥੱਕ ਗਏ
सुनाई भी उच्ची देंदा है। दिन रात हफ्ते महीने साल बीतदियां बीतदियां कान थक गए, अखां थक गईयां, जवान भी थक गए। गल बड़े ध्यान नाल सुनो, सही बोलिया नहीं जांदा, जवान भी थक गए, लत्तां भी थक गईयां, सही तरह चलिया नहीं जांदा, उठिया नहीं जांदा, लत्तां भी थक गईयां, गला भी थक गया, आवाज नहीं रही, वो जोब नहीं रहा, गला भी थक गया। मैनू इत्थे वजी जे गल, वो कहिंदे हद हो गई बंदिया, ओए अखां थक गईयां, कन्न थक गए, गला थक गया, नैण थक गए, ओए तू कैसा बंदा है, ये सारा कुछ थक गया, जिहड़ी अंदर माया दी पकड़ है ना, ओ दे घटी नहीं, वह थकी नहीं बेचारी, आखो सतना उ दास नहीं कह रहे, तुम गुरु ग्रंथ साहब कह रहे, कबीर जी का शब्द, थाके नैन सरवण सुन थाके, थाके नैन सरवण सुन थाके, सुई कबीर जी ओ ललित अंग 793। मैनू बड़ी वजी जी गल सुने, थाके नैन सरवण सुन थाके, थाकी सुंदर काया, नैन निर्मल हो गए, कान निर्मल हो गए, गला निर्मल हो गया, पैर निर्मल हो गए, काया निर्मल हो गई, कमाल है, पकड़ नहीं निर्मल हुई, आखो सतना पकड़, थाके नैन सरवण सुन थाके, थाकी सुंदर काया, जरा हाक दी सब मत थाकी, जरा एहो जिहा बढ़ेपा आया सारी मत भी थाकी, मत भी नहीं रही, जरा हाक दी सब मत थाकी, एक ना थाकस माया, एक ना थाकस माया, बाकी सारू कोई निर्मल हो गया। कहिंदे जिहड़ी ओह तृष्णा है ओह निर्मल होई नहीं, जिहनू करना सी पकड़ निर्मल होई नहीं, वाह वाह निर्मल, निर्मल समझदे हो कमजोर, बाकी सारू कोई कमजोर हो गया, जिन्हें जेड़ी चीज नूं कमजोर पाउणा सी ओह पई नहीं, वाह वाह निर्बल होई नहीं, कमजोर होई नहीं, माया दी पकड़ खोली हुई, कमाल हो गई। ए मेरे के वाजा पिया, ये वाजा मैनू अमरीका लै गया यूएस, पहली बारी प्रोग्राम बनाया 22-23 दिन का, मुड़ के नहीं बनाया, मुड़ के हफ्ते का ही रख दे, आखो सतना सफर पा गया हफ्ते का, 7-8 दिन जवाक दिल ही नहीं सी लगता, जो गुरु रामदास की नगरी है गुरु रामदास की हुई, आखो सतना उतना सारा ही धन है, पर प्यार वाले कहिंदे है जिन्हू जिंदगी च रहण का आ गया तरीका, ओदा पंजाब ही अमरीका, आखो सतना ओदा इत्थे ही अमरीका, बाकी जिथे दाणा पानी ले जाना, ये मैनू वाजा लै गया जी अमरीका, तो कुछ घर दिमाग से कुछ गुरुद्वारे, एक घर च दिमाग से 250 संगत सी, मेरा दिल बड़ा, मैं एक दिन मसा ही कटदा हाँ भी कदों वापसी दियां दिन आउणगे, अपने दिल नूं ना लाउण दी कोशिश करदे रहां वी दिल लगे के पास, कीर्तन तो बाद ना
मैं बाल्टी फड़ ली मैं क्या लंगर की हाजरी लाई है वरताउण की मन लगे सिमरन करदे आ मैनू एक प्रबंधक कहन लगा बाल्टी छड़ो साडा काम करो आखो साधना मैं दसो महाराज मैं काम अगे लभदा पे मैनू इंज उंगल करके कहते कहते बजुर्ग लंगर छक रहे जी बजुर्ग नैण भी थक गए कन्न भी शरीर निर्बल कहते रोज दो ढाई घंटे गुरुद्वारे आते हूँ दो ढाई महीने तो आ नहीं रहे थोड़ी गल इना मोड़नी नहीं तुम इन्होंने बजुर्गों को कहो भी रोज आया करो मैं चल वधिया सेवा मिली है मैं चलिया गया बजुर्ग को मैं जाके माड़ा कहता मैं कहा बजुर्गो पता लगा है तुम रोज सवेरे गुरुद्वारे आते दो ढाई घंटे रस लेंदे सी हूँ ढाई महीने तो तुम आ नहीं रहे दो ढाई महीने तो आ नहीं रहे आया करो क्यों छड़ता संगत जी उन्हें बुरकी उत्थे छोड़ती थाली उत्थे नाल ही पै गया इंज पै गया गुरगोपाल सिंह क्यों आवा गुरुद्वारे आपको सतना मैं क्या 400 वोल्ट है पूरा गल आखो सतना 250 लागे तो ठीक है क्यों राजू भाजी 230 ठीक होगा 230 वोल्ट तो ठीक है इंडिया के हिसाब न मैं क्या 400 वोल्ट कम बड़ा गर्म है आखो सतना सीधा ही वोल्ट गर्म बड़ा कहते क्यों आवा मैं गुरुद्वारे मैं क्या चलो कोई नहीं मैं क्या जी जिन्हें मैनू कहा ना ओदी गल कहण विच कोई जुड़ रहा है मैं तां आया तुहाडे कोल जे ओदी गल च कोई तोड़न वाली गल हुंदी ते फिर मैं नहीं सी जोड़न वाली है मैं तां आया मैं कहा जी दास दे सिर ते हथ है बाबा नंद सिंह दा गुरु ग्रंथ साहब दा ते है ही है पर जेडे महापुरशां जोड़िया उन्हां दा भी सीस है मैं क्या बाबा नंद सिंह का बचन है जोड़न वर्गा पुन नहीं ते तोड़न वर्गा पाप नहीं ये ध्यान रखा करो कोई थोड़े को टुट ना जाए आखो सतना जोड़न वर्गा पुन नहीं तोड़न वर्गा पाप नहीं गुरु ग्रंथ साहब नालों तोड़न वर्गा पाप नहीं जोड़न वर्गा पुन नहीं कदी किसी गलत राह ना पाए तेरे त्याग किया तो कोई जा तुम आ हो गया तू सियाने को जा ए पंक्तियां वसा लो बाबे दे चरण फड़ लो बाबा जी जां दे तुसी वेखो उच्चारण कीतियां धुर की बाणी आई तीन सगली तुसी क्या सारियां चिंता बाणी ना जांदियां कम शुभ होवे महाराज फिर कृपा करो मैनू सियाणियां को ना भेजो ज्योतिषियां को ना भेजो होर बोयां दे ना भेजो तुसी ओही क्या सगली ते हुण सगली विचों मेरी भी ते सगली च ही है चिंता आखो सतनाम मैनू किसे होर बूए ना भेजो ਤੁਸੀਂ ਆਚਰਨ ਕੀਤਾ ਇਹ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਹੈ ਚੜ ਚੜ ਗੁਰੂ ਮੈਂ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਓ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਚ ਆ ਜਾਏ ਨਾ ਏਕਾ ਮਾਈ ਬੋਲੋ ਜੁਗਤ ਨਿਨ ਚੇਲੇ ਇਹ ਆ ਜਾਵੇ ਐਡਾ ਕੁ ਡਟ ਕੇ ਜੁੜੋ ਏਕਾ ਮਾਈ ਕੌਣ ਹੈ ਸਾਡਾ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਉਹ ਏਕਾ ਮਾਈ ਕੌਣ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਚ ਵਿਆਪਿਆ ਆਮ ਨਾਰਾਇਣ ਰੂਪ ਸੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਤਾਰਿਆ ਬਾਕੀ ਸਭ ਚੇਲੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਚੇਲੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰੀ ਭੰਡਾਰੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਲਈ ਐਡਾ ਤਕੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਇੱਕ ਕਦਮ ਵੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇੜੀ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਧਰੇ ਜਾਣਾ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ तरह की भावना ने बाणी पढ़िया करो वो एका माई तू है गुरु नानक आखो सतना मेरे लिए तू है तुसी हो नानक सोधे सिमरत वेद पार ब्रह्म गुरु राही हुण तुसी हुण तुहानू किसे बंदे ने लिख के दिता होवे फलाणी चीज की गरंटी है जी साल की महीने चो जे खराब पढ़ते नहीं प्यार कहते नहीं साल की गरंटी है जी महीने चप सैट हो गया आप बाबे के चरण भी प्यार फड़ सकते हैं बाबा जी तुम क्या धुरकी बाणी आई तीन सगली चिंत मिटाई
मेरी वो सगली विचों ही है चिंत है शुभ होवे किसी का बुरा ना हो चिंत विच महाराज हुण कृपा करो जपजी साहब का लड़ सुमनी साहब का लड़ तुसी फड़ाओ फड़िया तो महाराज आप ही चिंता दूर करो आखो सतना आप ही कृपा करो बख्शिश करो एहो जा विश्वास तुसी अरदास करो मेरे अंदर भी बने तुहाडे अंदर भी बने इसे करके ही आने ऐतवार ते वीरवार आखो सतना इसे करके गल मैं की बोलन दिया अमरीका की मैं बुजुर्ग नूं कहा फिर गोडा फड़ के मैं कहा जी बाबा नानसी दा भजन है जोड़न वर्गा पुन नहीं ते तोड़न वर्गा पाप नहीं जिन्हें सज्जन ने मैनूं तुहाडे कोल भेजिया है ये जोड़न वाली गल सी वी तुसीं नहीं आ रहे मैं तां आया आराम नाल गल करो समझगा जी ओदी ओदा करंट उसे तरह 400 वोल्ट ही बुरकी छड़ती दास ने इन्ना ही कहा मैं जी पता लगा तुसी रोज गुरुद्वारे सवेरे आंदे सी 2-2.5 घंटे हाजरी भरते सी कथा कीर्तन सुनते सी आसा ही बार सुनते सी हुण 2-2.5 महीने तो आ नहीं रहे की गल और मेरे ख्याल बजुर्ग की उम्र भी 70-75 साल होनी है तो बुरकी छड़ के कहिंदा क्यों आवा गुरुद्वारे गुरुकवास जी क्यों आवा गुरुद्वारे मैं होया की है कहिंदा 2.5 महीने पहला इन्होंने बनाई है नवी कमेटी कह दो गज के साथ 2.5 महीने पहले इन्होंने बनाई नवी कमेटी पुरानी कमेटी मैं मैंबर हाँ नवी कमेटी च मैनू मैंबर नहीं लिया कहते अहदा गया तो गुरुद्वारा गया कह दो गज के साथ हूँ इन मैं उत्थे लियाना जे 80 साल उम्र हो गई नैन थक गए वेख्या नहीं जाता कन थक गए सुनिया नहीं पूरी तरह जाता पैर लत्ता थक गई चलिया नहीं जाता सही जवान थक गई सही बोलिया नहीं जाता पर वेखो एक औदा नहीं मिलिया कहिंदे ओ जड़ी पकड़ है ओ नहीं थकी ओ उसे तरह ही पकड़ बनी पई है ए महापुरुष कहिंदे सी भगत कबीर जी का शब्द है और बाकी सब कोई निर्बल हो गया तेरा मोह ते निर्बल होया ही तेरी वाहवा ते निर्बल होई नहीं तेरी पकड़ ते निर्बल होई नहीं ये बड़ी मुश्किल मैंने गुरु ग्रंथ साहब चो शब्द लभा जी क्योंकि फिर मोहर लग जाती साढ़े मालक की जो गुरु ग्रंथ साहब चो गल आ जाए मैं कला ही कही जावा अखा थक गई गला थक गया जी मोह तो थकया नहीं वह तो घटिया नहीं पकड़ते घटी नहीं पर जो शब्द लगा मैं कबीर जी का मैं चा चढ़ गए आ सुन लो प्यार ना थाके नैन सरवण सुन थके मतलब निर्बल हो गए निर्बल हो गए कमजोर हो गए उम्र के हिसाब थाके नैन सरवण सुन थाके थाकी सुंदर काया काया शरीर जरा हाक दी सब मत थकी एक ना थाकस माया ओ निर्बल होई नहीं पकड़ ओ वावा निर्बल होई नहीं माया का कम निर्बल होया नहीं कह दो गज के सतना जरा हक दी सब मत थकी एक ना थकस माया सिर कंपियो पग डग मगे नैन जोत दे कौ नानक पैद भई तौ न हर रस नी ओ नानक पैद भई तौ न हर रस नी नैनो नीर बहे तनखी ना पै केस सुधवाने रुदा कंठ शब्द नहीं उचरे अब क्या करे परानी राम राय हो पैद बनवारी अपने संत ने हो उबारी माथे पीर शरीर जलन है कर्क करे जे माही ऐसी बेदन उपज खरी पई वाका औखद नाही
हर का नाम अमृत जल निर्मल ए औखत जग सारा। गुर प्रसाद कहे जन पीखन पावो मोख द्वारा। सिर कंपियो पग डग मगे नैन जोत दे कौ नानक बिद भई कौ न हर रस नी। मगर जी